8ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਧਿਆਇ ਨੰਬਰ 6 ਵਰਗ ਅਤੇ ਵਰਗ ਮੂਲ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਵਰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। वर्ग अते वर्गमूल आपां बचियो ये दोवें इस अध्याय विच पढ़ने हैं। वर्ग की है बेटा? छोटियां क्लासेस च असी देखिया कि वर्ग वो है जिदियां सारियां भुजावां बराबर हुंदियां ने, एक बॉक्स जिवें अगर इहदी भुजा की लंबाई ए है, इहदी ए, इहदी ए, इहदी ए, ये वर्ग है जिदियां सारियां भुजावां बराबर हुंदियां। ते वर्ग का खेत्रफल की हुंदा? भुजा गुणा भुजा, मतलब भुजा की एक भुजा की लंबाई गुणा दूसरी भुजा की लंबाई, मतलब ए गुणा ए, मतलब ए दे पावर दो। ए दो वारी ये लिखा होया, इहदा मतलब ए दी पावर दो। उस तरह ही वह सारिया संख्यावां जिवें एक संख्या एक आ, ते अगर एक भुजा की लंबाई एक आ तो उहदा खेत्रफल कितना होएगा? इत्थे लिख दिंदे आ भुजा, इतने लिख दें खेत्रफल, वह खेत्रफल कितना होएगा? एक गुणा एक, मतलब एक का स्क्वेयर। जिवें इतने लिखा सी दो वारी ए आया, ए दी पावर दो पाती, इतने एक की पावर कितनी पाती? दो। अगर मेरे को भुजा की लंबाई दो है तो वह खेत्रफल कितना होएगा? दो गुणा दो, मतलब वर्ग दो की पावर कितनी हो जाएगी? दो। अगर किसी का खेत्रफल भुजा की लंबाई तीन है तो वह खेत्रफल कितना लभना है? तीन गुणा तीन, मतलब तीन की पावर दो। इदा ही चलते चलते असी सब दे वर्ग करी जाने हैं। एक का वर्ग, दो का वर्ग, तीन का वर्ग, चार का वर्ग, पाँच का वर्ग, ये सारिया संख्यावान वर्ग संख्यावान कहते हैं जो आप इन्हों हल कर लें। ठीक है बच्चे? सो असी ये देख लिया कि अगर कोई संख्या दिती हुई है तो असी उदा वर्ग लभना है, तो असी उन्हों की करांगे अपने आप के नाल ही उन्होंने गुणा कर देवे। अगर पाँच का वर्ग लभना है तो असी करांगे पाँच गुणा पाँच, अगर सौ का वर्ग लभना है असी करांगे सौ गुणा सौ, अगर नब्बे का वर्ग लभना है तो असी करांगे नब्बे गुणा नब्बे, मतलब अपने आप के नाल ही उन्होंने गुणा कर देवे। आओ बच्चियो हुण आपां संख्यावां लिखिए एक तो लैके दस तक, तो नाल इन्हां दे आपां वर्ग लभीए। तो वर्ग सारियां नूं पता लग चुका है कि अपने ही नंबर दे नाल गुणा करके आंसर करना। एक दा एक संख्या एक है, संख्यावां लिख लैने आ। वर्ग देख लैने आ बच्चे, एक दा वर्ग एक गुणा एक किन्ना हुंदा? एक। दो दा वर्ग दो गुणा दो, दो दूनी चार। तीन दा वर्ग तीन तिया नौ। चार दा वर्ग चार चौके सोलह। पाँच दा वर्ग पंजू पंज पच्ची। छे दा वर्ग सिक्स सिक्स दा थर्टी सिक्स। सैवन दा स्क्वेयर सैवन सैवन दा फोर्टी नाइन। एट दा एट एट दा सिक्सटी फोर। नाइन दा नाइन नाइन दा एटी वन। ते टेन दा टेन टेन जा हंड्रड। असी ये सारे वर्ग लिख ले। हुण बच्चे देखो कि ये सारे वर्ग ये सारिया संख्यावान एक चार नौ सोलह पच्ची छत्ती उन्जा चौंठ इक्यासी सौ ते अगे भी चलदिया रहनगियां ग्यारह बारह तेरह चौदह, इन्ह सारे वर्ग दियां संख्यावान, ये सारिया संख्यावान वर्ग कहलाउंदियां हन। ठीक है? हुण ध्यान नाल देखो कि इन्हां दे इकाई अंक किहड़े किहड़े है। इन्हां दे इकाई अंक विच एक लगा होया है, एक लगा है, फिर एक चार है, नौ है, फिर पिछे छे भी लगा होया है, फिर पंज भी है। इन्हां तों इलावा अगे छे लिख लिया होया, नौ लिख लिया होया, चार लिख लिया होया, एक लिख लिया होया, ते जीरो। असी इन्हां दे इकाई अंक वेख ले। सो इकाई अंक लाइन वाइज इन्हों जरा वाधे क्रम च लिख दें, जीरो एक
चार पांच छे ते नौ वर्ग संख्यावां दे इकाई अंक सिर्फ यही होंगे ने केड़े केड़े नहीं है इन्हां च केड़े केड़े नंबर नहीं लिखे दो नहीं लिखा तीन नहीं लिखा सत्त नहीं लिखा अठ नहीं लिखा सो वर्ग जदों भी असीं लभणे हैं उन्हां दे इकाई अंक दो तीन सत्त ते अठ नहीं होणगे ते वर्ग दे हमेशा इकाई अंक केड़े केड़े हुंदे ने जीरो एक चार पांच छे नौ ठीक है ये क्वेश्चन भी आ सकता मान लो कोई भी तुहानू क्वेश्चन दिता होया आ गया चार सौ बताली कि ये किसी का वर्ग हो सकता असी इहदा इकाई अंक पढ़ना कि ये किसी का वर्ग हो सकता इकाई अंक असी वेख्या दो है तो असी कहता कि दो तीन सत्त अठ वाले वर्ग हो ही नहीं सकते और नंबर वर्ग किसी के हो ही नहीं सकते जिन्हां दे इकाई अंक च दो होवे तीन होवे सत्त होवे या अठ होवे सो इहनूं तुसीं बिल्कुल चंगी तरह याद कर लेना दो तीन सत्त अठ जिथे भी वेख्या इकाई अंक च असी कहना कि ये किसी का भी वर्ग नहीं ठीक है बच्चे सो अज की वीडियो क्लास में असी ये देख लिया कि वर्ग किदा लभणे आ अपने आप नूं ही नंबर नूं गुणा करके भुजा गुणा भुजा का फॉर्मूला मतलब अगर पांच का वर्ग लभना तो पांच गुणा पांच सो होमवर्क की है बच्चों का कि एक तो लैके तीह तक वर्ग तुसी अपने नोटबुक्स के उत्ते लिखने हैं तो उन्हां दी फोटो खिंच के मैनूं भेजनी